अब मैं बदल गई हूँ और इन लोगों की ऐसी चालों की वजह से ही बदली हूँ, इनके बर्ताव की वजह से ही बदली हूँ। और अब मैं उन उसूलों पर नहीं चलती हूँ जिन पर पहले चलती थी। अब मेरा एक ही उसूल है, गलती की है तो सजा मिलेगी। ये हुई ना बात मेरी शेरनी, बस ऐसे ही रहना लेकिन एक एक कदम भोंक के रखना। मुझे तो इस घर की दीवारों में भी साजिश की बू आती है। अरे नहीं, मैं अपने परिवार वालों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं तो इन विलनों की बात कर रही हूँ। इनसे बच कर रहना और जब भी कदम रखना जमीन देख लेना कैसी है, क्योंकि हर कदम पे इन्होंने जाल बिछा के रखा है। जान के आंटी, मैंने कहा ना, अब आप मेरी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। वो प्रीता जो बुराई को नहीं बदल सके, वो खुद ही बदल गए। अब उसके तौर तरीके बदल गए, उसका लहजा और लिहाज भी बदल गया है। अब एक ही रूल है, बल को बल से और छल को छल से काटो। मैं जानती हूँ जानकी आंटी कि इस घर में महाभारत छिड़ चुकी है और ये महाभारत बहुत लंबी चलने वाली है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। अपने दुश्मन के हर एक जहरीले वार के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब पृथ्वी और शौलिन को सोचना है कि उन्हें प्रीता का सामना कैसे करना है। पहले मैं उनके वार से अपने परिवार को सिर्फ बचाती थी, लेकिन अब मैं अपने परिवार को बचाऊंगी भी और दुश्मनों को सबक भी सिखाऊंगी। जान के आंटी, अब मुसीबत वो लोग मेरे लिए नहीं, मैं उनके लिए बन चुकी हूं। अब मुझे ये नहीं सोचना है कि मुझे उनसे कैसे बचना है, उन्हें ये सोचना है कि उन्हें प्रीता से कैसे बचना है। ये हुई ना बात। मैंने पता है तू ना बड़ी हिम्मत वाली है और तुझे देख कर ना मुझ में भी हिम्मत आ गई है। पुत्र तू आगे बढ़, जिससे भिड़ना है भिड़ जा, लड़ जा, जो करना है कर। बस एक बात याद रखना, जब भी तुझे इस जानकी आंटी की जरूरत होगी ना, बस दिल से याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी, तेरे नाल हो जाऊंगी। जानकी आंटी, मैं जानती हूँ, ख्याल रखे। पृथ्वी, मेरी प्रीता, मेरी प्रीता अब शेरनी बन चुकी है, जो तेरे घात पे बड़ा वाला झपट्टा मारेगी और तुझे कहां कहां चोट लगेगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। अब तू बस ये समझ ले निगोड़े कि तेरा टाइम खत्म हो गया है, अब तेरा अंत आने वाला है, राक्षस का अंत होने वाला है। पृथ्वी, पृथ्वी बेट, मैं जानती हूं कि प्रीता को कैसे रोकना है। प्रीता जो हमसे छीन रही है, आई नो उसे कैसे रोकना है। क्या कहा तुमने? हमसे है, हमसे छीन रही है। हाँ, हमसे। तुम सिर्फ इतना बताओ कि प्रीता को कैसे रोकोगी। मैं इस घर में आई और आई शुद से लाई गई करण के क्लोज जाने के लिए, जिसके लिए तुम दोनों मुझे पैसे देने वाले थे। लेकिन इस प्रीता ने लूथरा हाउस में एंट्री करके मेरे इस प्लान को खतरे में डाल दिया। एंड इनफैक्ट अब मुझे नहीं लगता कि ये मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा भी। प्रीता पहले इस घर में आई और खुद को इस प्रॉपर्टी का ओनर अनाउंस किया, और अब जब वो आई, अब उसने क्या किया? सब जानते हैं कि उसने कोई कोशिश नहीं की, बस डायरेक्ट अटैक किया। उसका सब कुछ, इन शॉर्ट,
इसकी आंखों का सपना चुरा लिया। प्रीता के पास पहले क्या था? सिर्फ पेपर्स, अथॉरिटी थी सब कुछ करने की, लेकिन अब उसके पास लक्जरी टाउन प्रोजेक्ट, जो कि पृथ्वी का सपना था, जिसके लिए उसने इतने एफर्ट्स डाले, इतनी मेहनत की, इतनी प्लानिंग की अपनी आइडेंटिटी लॉन्च करने के लिए। वो सारे एफर्ट्स, वो सारे सपने, वो आइडेंटिटी सब प्रीता चुरा के ले गई और अपने नाम कर ली। वैसे मानना पड़ेगा प्रीता अब तक गेम जीत रही थी, बहुत हवा में उड़ रही है ना, लेकिन अब टाइम आ गया है कि उसके छोटे छोटे पंखों को काट के उसे जमीन पे लाया जाए। उसे जमीन पे लाऊंगी मैं, वो भी खींच के। क्या, डोंट लुक एट मी लाइक दैट। तुम दोनों ना जानते नहीं हो कि मैं नताशा चीज किया। मेरे पास फालतू की बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है, पैसे चाहिए तो मुद्दे पे आओ। सिर्फ ये बताओ कि प्रीता को कैसे रोकोगी? वही बता रही हूँ कि अगर मैं जिद पे आ गई ना तो एक प्रीता तो क्या, प्रीता की जैसी हजारों लड़कियों को लाइन पे लगा दूं, हजारों के साथ अकेले निपट लूं। एक्चुअली अब तक तो मैं बस दिखावा कर रही थी कि मैं बहुत स्वीट हूं, क्यूट हूं, इनोसेंट सी हूं, लेकिन सॉरी टू से गाइस, मैं जैसी दिखती हूं ना वैसी हूं नहीं। मैं स्ट्रीट स्मार्ट गर्ल हूं, एंड यू नो स्ट्रीट गर्ल्स कैसे होते हैं, वो अच्छे अच्छों को सही टाइम पर लाइन पे ले आते हैं। बचपन से ही मैंने अपने हक के लिए बहुत फाइट की है और जीती भी हूं, और आगे जो भी लड़ाइयां लड़ूंगी वो भी जीतूंगी। इसलिए मैं कह रही हूं कि अब तुम दोनों कुछ मत करो और मुझे वो करने दो जो मैंने प्रीता के लिए सोचा है, क्योंकि अब मैं वो करूंगी जिससे प्रीता उतनी ही तेजी से सबके दिल और दिमाग से गिरेगी जितनी तेजी से वो चढ़ी थी। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं अभी आई। क्या करने वाली है ये, मुझे क्या पता? सीरियसली, मेरे कहने पर तुम इसे इस घर में लाई, दिन रात इसके साथ रहती हो, और अब तुम कह रही हो तुम्हें पता नहीं कि क्या करने वाली है। तुम हर किसी का गुस्सा मेरे पे क्यों निकालते हो? वो क्या करने वाली मुझे कैसे पता? यहाँ कैसे खड़ा? मैं ऐसे थोड़ा मूड खराब था। वो क्या हुआ? सिस्टी मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझे इग्नोर कर रही है। 2 साल पहले जो हमारा झगड़ा हुआ था ना, उस बात को अभी भी दिल पर रख के बैठी हुई है। तो तू भी रख ले। नहीं भाई। तो क्या करना है, बदला लेना? बिल्कुल भी नहीं भाई। प्यार करना है? नहीं भाई, प्यार तो करना है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरा और सिस्टी का दोबारा पैचअप हो जाए। आप थोड़ी हेल्प करो ना प्लीज यार। ना रे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? देख समय, ये सब ना दिल का मामला है, और दिल का मामला ना दिल से सुलझाते हैं। आई मीन, जो भी तेरी और सृष्टि की बात है तू खुद ही जाके सुलझा। मैं तुझे एडवाइस दे सकता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। मैं तुझे बता सकता हूँ कि उसको कैसे पटाना है। उसके पीछे पड़ जा बाबा, उसके पास जा, उसको आई एम सॉरी बोल, आई लव यू बोल। नहीं मानती फिर से जा, बोल आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई लव यू। देखिए पड़ जाइए, और देख इनडायरेक्टली मैं तुझे सपोर्ट कर दे रहा हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक्स टू यू यार। क्यों? वो मेरी और प्रीता की स्टोरी में तू मेरे साथ खड़ा था राइट, लेकिन मैं तेरी स्टोरी में तेरे साथ नहीं खड़ा हो सकता। एक्चुअली क्या ना, तुम दोनों की स्टोरी हम दोनों की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थैंक यू भाई, आपने मुझे इतना ही सपोर्ट किया, वही मेरे लिए काफी है। लेकिन वो मान जाएगी ना? पक्का मान जाएगी ना? ऑफ कोर्स मानेगी, अच्छी लड़की है, दिल की साफ है, मैं जानता हूँ उसे। तो बोल उसको सॉरी, आई लव यू बोल, तो एकदम मान जाएगी। ठीक है, मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, उसे सॉरी भी बोलूंगा, आई लव यू भी बोलूंगा, लेकिन पीछा नहीं छोड़ूंगा, कोशिश करता रहूंगा, पक्का ना? अरे थैंक यू भाई, थैंक यू, यू टू गुड यार।
कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम बैक। मौत को मात देख के वापस आ गई, किस्मत मेहरबान हो गई है ना। सही कहा तुमने, किस्मत, भाग्य, उसके आगे किसकी चलती है। कहते हैं ना, कुंडली भाग्य में जो लिखा हो वो तो खुद लिखने वाला नहीं मिटा सकता। तो तुम क्या चीज हो पृथ्वी? Who are you? भगवान हो, भाग्य विधाता हो? सच बताओ तो तुम मेरे एक ऑर्डिनरी से एम्प्लॉय हो। बेसिकली यू आर अ नोबडी। और तुम्हें क्या लगा कि मेरा जीना मरना तुम तय करोगे? तुम बताओगे कि मुझे कब जीना है और कब मरना है? मरने से याद आया, तुम तो सोच के बैठे थे कि मैं इस दुनिया से चली गई हूं। मुझे अपने सामने इतना फिट एंड फाइन देखकर बहुत बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट बहुत मजा आ रहा है मुझे। जब कोई तो है जो टक्कर दे रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना मजा आ रहा है तो चेहरे पर दिख क्यों नहीं रहा है? चेहरे पर डर क्यों दिख रहा है? चेहरे पर परेशानी क्यों दिख रही है? फ्रस्ट्रेशन क्यों दिख रही है? डर लग रहा है तुम्हें? पृथ्वी मल्होत्रा किसी से नहीं डरता। ये तो तुम वो कह रहे हो जो तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो बॉडी है वो नहीं जानती है ना। वो तो वही दिखा रही है जो उसके अंदर चल रहा है। वो नहीं जानती है कि पृथ्वी मल्होत्रा चाहता है कि वो हमेशा एक मास्टरमाइंड, ताकतवर खिलाड़ी नंबर वन दिखे। वो तो जानती है कि वो ऊपर से नीचे तक इस वक्त डर से भरा पड़ा है। मुझे मारने के लिए पुलिस भेजी थी तुमने, और वो भी नकली। नकली पुलिस भेजी थी मुझे मारने और गिरफ्तार करने के लिए। बस इतना ही कर सकते हो तुम? प्रॉब्लम बताए क्या है? ये जो ताकत का शोरूम लेकर तुम घूमते रहते हो ना, इस शोरूम के अंदर तुमने कुछ रखा नहीं हुआ है, अंदर से खोखला है। यू आर सच अ फेलियर। ऐसा तुम्हें लगता है? चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझ में ताकत नहीं है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर ताकत है, तो ठीक है, कुछ करके दिखाओ ना। कुछ करके क्यों नहीं दिखाती? मैं तो तुम्हें उसी दिन इस घर से बाहर कर सकती थी जिस दिन मैंने इस घर में पैर रखा था दोबारा। तो फिर किया क्यों नहीं? सिर्फ बोल बच्चन, मैं बताता हूं। तुमने मुझे इस घर से बाहर क्यों नहीं निकलवाया? तुमने मुझे अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उसमें तुम्हारा फायदा नहीं। मुझे अरेस्ट करवाने में, यहां से बाहर निकलवाने में तुम्हारा कोई फायदा नहीं। तुम्हारा फायदा सिर्फ एक चीज में, लूथरास के बिजनेस में। तुम्हारा फायदा सिर्फ और सिर्फ लूथरास के बिजनेस एम्पायर को हासिल करने में है, राइट? सो इंटेलिजेंट, एकदम राइट। तुमने जो कुछ भी कहा सही है, लेकिन ये सिर्फ अकेली वजह नहीं है कि तुम अभी तक यहां टिके हुए हो। इससे भी बड़ी एक वजह है जो तुम बता नहीं पाए, पर मैं तुम्हें बताती हूं। और वो वजह है ये तुम्हारा हारा हुआ चेहरा। जब मैं इसे देखती हूं ना, तो मेरे दिल को बहुत ठंडक और सुकून मिलता है। जब मैं तुम्हें हारा हुआ देखती हूं, टूटा हुआ देखती हूँ, फेल्ड देखती हूँ, शर्म से भरा हुआ देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने तुम्हें इस घर में अपने सुकून और अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ है। जो तुमने वजह बताई उससे भी बड़ी वजह है ये, इसलिए तुम यहाँ पर टिके हुए। सुना है तुमने, वो कहते हैं कि इंसान की इज्जत ना ज्यादा बोलने में नहीं होती, तो तुम सिर्फ उतना बोलो जितना मैं सुन सकूं। अरे तुमसे बात कौन करना चाहता है? मैं यहाँ पर कोई टाइम पास करने नहीं आई। मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ कि तुम्हारा इस दुनिया में टाइम पास ही होना बंद हो जाए। तुम्हारे होश उड़ाने आई हूँ मैं पृथ्वी, तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने आई हूँ।
तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखाने आई हूँ, तुम्हारे पैरों तले जमीन खींचने आई हूँ, तुम्हें इतना गिराने आई हूँ कि उस जगह से तुम कभी उठ ही ना सको। वैसे सही में गिरे हुए तो तुम बहुत हो। एक औरत पर वार करने के लिए 4 लोग भेज दिए तुमने, लेकिन तुम ये भूल गए कि ये जो नई प्रीता है ना, ये 400 पर भारी पड़ेगी। सादा हवा में मत उड़ो। You never know कि मौसम का रुख कब बदल जाए, तूफान आ जाए, और जिस तेजी से तुम उड़ रही हो ना, पटक के गिर जाओ। और मैं तुम्हारे लिए ये बात कह भी नहीं सकती, क्योंकि तुम पहले से ही इतने गिरे हुए हो कि उससे ज्यादा गिरना नामुमकिन है। लेकिन हाँ, अपनी तबाही की तैयारी कर लो। खुद तुम अपनी आंखों से खुद को तबाह होते हुए देखोगे, क्योंकि तुम्हारी तबाही का हर इंतजाम मैं कर चुकी हूँ। ये इंतजाम मैं भी करूंगा, वो भी बड़े शौक से, क्योंकि आज जो तुमने किया है ना, जो काम तुमने किया है ना, आज का ये दिन, आज की ये तारीख, आज की ये घड़ी भूलना मत, याद रखना, क्योंकि मैं हमेशा याद रखूंगा। मेरे 2 साल की मेहनत पे तुमने पानी फेर दिया, मुझसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ चुरा लिया ना, कोई बात नहीं, मैं तुमसे तुम्हारा वो सब कुछ छीन लूंगा जिसके बिना तुम नहीं रहोगे प्रीता। You know what? ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसके बिना प्रीता रह नहीं सकते, तो तुम मुझसे क्या छीनोगे और क्या चुराओगे? It's impossible. और हाँ, मैं पुरानी वाली प्रीता नहीं हूँ जो तुम कुछ भी करोगे और मैं बर्दाश्त करते चलूंगी। ये जो प्रीता तुम्हारे सामने खड़ी है ना, ये आग है आग, और इस आग से जरा किनारे हटकर चलना, वरना तुम भी जलकर राख हो जाओगे। और किनारे पे भी जो अपनी कश्ती है ना, जरा संभाल के चलाना। सुना है लोग किनारे पर भी डूब जाते हैं। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ पृथ्वी, जिस दिन तुम्हें अपने आप से इतनी नफरत होगी क्योंकि तुम्हें लूथरा परिवार के हर एक सदस्य से माफी मांगनी पड़ेगी, और तुम माफी मांगोगे। माफी मांगूंगा? लूथरा परिवार के हर सदस्य से माफी मांगूंगा? चलो मान लो कि मैं लूथरा परिवार से माफी मांग भी लूं, तो इसका एडवांस ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे है? और इसके एडवांस ख्याल से तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी ईगो की धज्जियां उड़ जाएंगी, और मुझे पता है जब तुम्हारी ईगो पर हर्ट होता है तभी तुम्हारे दिल पर सबसे ज्यादा हर्ट होता है, तभी तुम्हें सबसे ज्यादा बुरा लगता है, तुम्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है, तुम पागल हो जाते हो। और मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकती जिस दिन तुम नाक रगड़ रगड़ के इस परिवार से, स्पेशली करण लूथरा से माफी मांगोगे। करण से याद आया, जानती हो करण और नताशा के बीच क्या चल रहा है? क्या चल रहा है, क्या मतलब? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम किसी और के बारे में इस वक्त सोच कैसे सकते हो। तुम्हारी खुद की जिंदगी की धज्जियां उड़ने वाली है, तबाह होने वाले हो, और किसी और के बारे में सोच रहे हो। इस वक्त तुम्हें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, किसी और के बारे में बाद में सोचो। मैं तुमसे नफरत करता हूं प्रीता, और तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं देख सकता। जानती हो नताशा ना तुम्हारे खिलाफ कुछ करने वाली थी, और मैं उसे रोकने भी वाला था, पर अब नहीं रुकूंगा, और शायद खुद भी नहीं रुकूंगा। कुछ तो इंतजाम करूंगा, और जब पृथ्वी मल्होत्रा इंतजाम करता है ना, तब सामने वाले का सिर्फ
इंतकाल होता है। नताशा कहाँ गायब हो गई? बोल रही थी कि प्रीता के अगेंस्ट कुछ करेगी। अरे कुछ कर पाएगी कि नहीं? कहाँ है ये नताशा?